तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश। अभी आप देख रहे हो हमारा, यहाँ पे हम करने वाले डेटाबेस में एक और प्रोग्राम जो है जेएसपी थ्रू, जहाँ पे हम करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रोग्राम है अपना, यहाँ पे अपन यूज़र का रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। तो देखते हैं कैसा होता है ये प्रोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पे अपने पास, हमने अपना जावा वेब में अपना वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है। उसके बाद में हमने तीन फाइल तैयार की है जेएसपी की। यहाँ पे सबसे पहली फाइल है होम, उसके बाद में रजिस्टर, उसके बाद में इंडेक्स। मतलब इंडेक्स, होम, रजिस्टर, ऐसे तीन फाइल अपने पास है जो हमने वेब पेजेस पे राइट क्लिक करिया और न्यू पे जाके जेएसपी पे जाके हमने तीनों फाइल तैयार कर ली है। उसके बाद में सबसे पहले अभी हम इंडेक्स फाइल पे आते हैं, जो अपनी वाली इंडेक्स डॉट जेएसपी है। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग फाइलें, आप उन पे ध्यान ना दें। आप जो मैं फाइल बोल रहा हूँ सिर्फ उन्हीं पे ध्यान दो। तो इंडेक्स डॉट जेएसपी फाइल है अपनी वाली सबसे पहली, वहाँ पे जाएंगे। तो अब हमको क्या करना है, मतलब अब अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ इस वाला, तो मतलब प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होगा, जो फाइल होगी ना उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, मैं आपको रन करके बता देता हूँ कि कैसा दिखेगा वो। आपको वैसा बनाना है ना। तो देखिए इस तरीके से ये लॉगिन का फॉर्म होगा, या जहाँ पे यूज़र लॉग इन करेगा, यूज़र नेम होगा, पासवर्ड होगा, यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्स होके लॉग इन पे अगर क्लिक करेगा यूज़र, तो यूज़र लॉग इन होना चाहिए। अगर उसका पासवर्ड राइट हो तो ही वो लॉग इन होना चाहिए, अगर पासवर्ड गलत हो तो वो लॉग इन नहीं होना चाहिए। अगर यूज़र के पास लॉग इन यूज़र वगैरह कुछ नहीं है, तो वो रजिस्टर पे क्लिक करके रजिस्टर यूज़र पे जाके वो रजिस्टर कर पाए यूज़र को, और उसका नेम, पासवर्ड और DOB ले लेके सेव करने के बाद में वो डायरेक्टली यहाँ पे लॉग इन पेज पे आ सके, तब वहाँ पे अपने को प्रोग्राम करना है। ठीक है, इस तरीके से अपने को वो वाला प्रोग्राम करना है यहाँ पे। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपकी हूँ अपने वाली नेटबीन, ठीक है, नेटबीन्स पे आ गए। अभी अपन नेटबीन्स पे आने के बाद में यहाँ पे अपन ने सिंपल JSP और HTML में कोडिंग सेम है अपने वाली HTML की सेम। ये जो कोडिंग है ये बाय डिफॉल्ट आ जाती है, इतनी थोड़ी सी ये वाली ऊपर की, और उसके बाद में अपन ने सिर्फ ये वाली कोडिंग टाइप की है जो फॉर्म टैग में है अपने वाली। फॉर्म टैग में अपने हमने लिया है होम डॉट JSP। देखिए मैंने एक वीडियो में बोला था, अगर आपके पास JSP फाइल हो तो आपको .JSP भी लिखना होता है। अगर आपके पास .java वाली फाइल हो, .HTML वाली फाइल हो, तब आपको डॉट का एक्सटेंशन नहीं लिखना पड़ता है, सिर्फ फाइल का नाम लिखना पड़ता है। लेकिन अभी .JSP, इसके लिए .JSP फाइल का नाम भी हमने लिखा है। उसके बाद में हमने पोस्ट मेथड यूज़ किया है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ br टैग लगा दिए है, उसके बाद में सेंटर कर दिया है। उसके बाद में लॉग इन यूज़र हेडिंग में ले लिया है, यूज़र नेम लिया है यू नेम, और पासवर्ड लिया है पास, यू नेम पास, इनके नाम आप ध्यान रखिए, ये नाम हमें आगे काम में आने वाले। उसके बाद में हमने यहाँ पे सबमिट के ऊपर कोडिंग की है। सबमिट इनपुट टाइप सबमिट, सबमिट लॉग इसकी वैल्यू है लॉग इन, मतलब बटन पे लॉग इन देखेगा, और एंड NBSP कुछ पेज छोड़ने के लिए। और उसके बाद में एक हाइपर लिंक लिए AHREF, जो रजिस्टर डॉट JSP पे हमें लेके जाती है, जो जिसका हमने एक बटन लिया है जहाँ पे उसको रजिस्टर बटन हमने ले लिया है। ओके, उसके बाद में रजिस्टर बटन लेने के बाद में अभी हम डायरेक्टली अभी ये जो कोडिंग है ये हम बाद में मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये जो कोडिंग है ये डेटाबेस मतलब रजिस्ट्रेशन की कोडिंग है ये, तो इसको हम बाद में देखेंगे। तो अभी अपन सबमिट के ऊपर जाते हैं। अब अभी ध्यान रख, अभी ऐसा मान लीजिए कि आपने एक मतलब आपके पास एक यूज़र है और उसका पासवर्ड भी आपके पास है। तो अगर आपने यूज़र ने पासवर्ड डाल दिया है, उसके बाद में क्या होगा, सबमिट करने के बाद में आप जाओगे होम डॉट JSP पे। तो अभी हम जाते हैं होम डॉट JSP पे। होम डॉट JSP पे जाने के बाद में हमें अपना जो लॉगिन आपने जो डाला है उसको हमें चेक
करना है कि आपने वो बराबर डाला है या नहीं डाला है। अगर आपने वो बराबर डाला होगा तो आपको जो कुछ डाटा होगा वो शो करना होगा, वगैरह वगैरह काम हम पे करने वाले हैं। तो ये कोड सेम जेएसपी का मतलब एचटीएमएल का कोड है। उसके बाद में अपन आते हैं अभी जेएसपी के कोड पे। जेएसपी में हम अपना वाला क्या बोलते हैं, जावा का कोड लिखने के लिए हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं। मतलब इसके अंदर अपन जावा का कोड ले लिखते हैं और इसके बाहर हम एचटीएमएल का कोड लिखते हैं। ये बात याद रखिए, हमने ये क्यों यूज़ किया है, हमें हमको जावा का कोड लिखना है इसके लिए। ओके उसके बाद में अभी अपन दो वेरिएबल लेंगे अपने लिए, स्ट्रिंग टाइप के हैं बी वन बी टू। मेरे को लगता है शायद इनका कुछ काम नहीं है, और हमको हम इनका कुछ काम है क्या, बी वन बी टू, बी वन बी टू नहीं, ये मैंने टेस्टिंग के लिए लिए थे, इनका कुछ काम नहीं आपको, ठीक है को जाने दीजिए। उसके बाद में अपन आते हैं स्ट्रिंग के ऊपर। यहाँ पे अपन अपन ने दो तीन वेरिएबल लिए हैं, यू नेम, पास और डी ओ बी। ओके तीन वेरिएबल ले लिए हैं अपन ने। उसके बाद में अपन आते हैं प्रिंट राइटर ओ, वो आपको मालूम है क्यों आता है काम के लिए। ओके उसके बाद में क्लास डॉट फॉर नेम लिखना चाहते हो तो लिखो, नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखो, कोई टेंशन नहीं आता इसके वजह से। उसके बाद में कनेक्शन करना है सेम एज अभी पिछला, अगर आपने प्रोग्राम देखा होगा तो सेम कनेक्शन है एडीबीसी ओडीबीसी। यहाँ पे अपना वाला डीएसएन का नाम और हो जाता है। ओके उसके बाद में स्टेटमेंट एसटी और सीओ डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। उसके बाद में अपन स्टेटमेंट क्रिएट करने वाले हैं। तो कैसा होता है देखिए, अभी अभी देखिए, यू नेम अपने हमने जो स्ट्रिंग लिया था, और उसमें अभी हम क्या लेंगे, जो अपन ने इंडेक्स फाइल पे जो सबमिट किया था यू नेम और पास, तो उसको हम गेट करने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर यू नेम और रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड अपने वाले यू नेम एंड पास इन दोनों वेरिएबल में अभी आ चुके हैं। उसके बाद में रिजल्ट सेट आर एस लिखा है अपन ने। ये क्यों लिखा, क्योंकि इसमें अपना वाला रिजल्ट स्टोर होने वाला है जो क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद में। तो एस टी डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी अपने वाली क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा, और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अपना वाला स्टूडेंट का टेबल है, वेयर यूजर नेम, तो ये अपना टेबल में ये एक फील्ड है जिसका नाम है यूजर नेम। मैं आपको वो भी बताऊंगा आखिर में, मतलब टेबल दिखाऊंगा आपको। और यू नेम, ये जो यू नेम है ये वाला अपना वाला यू नेम है। तो अभी अपन चेक कर रहे हैं, क्या क्या चेक कर रहे हैं अभी अपन, यूजर नेम इक्वल टू यू नेम है या नहीं है, मतलब टेबल का यूजर नेम एंड पासवर्ड अगर ये दोनों मैच हो जाते हैं तभी हमारा यूजर लॉगिन हो पाएगा। मतलब अगर ये दोनों मैच होते हैं ना, अगर ये मैच होते हैं तो रिजल्ट सेट में कुछ डाटा आ जाएगा, यानी उसमें कुछ ट्रू वैल्यू होगी। अगर उसमें ट्रू वैल्यू है तो इफ ट्रू होगा तो आरएस डॉट नेक्स्ट ट्रू होगा तो हम इधर आएंगे, अगर फॉल्स होगा तो अगर अगर फॉल्स है तो यूजर नेम पासवर्ड मैच नहीं हुआ है, अगर मैच नहीं हुआ है तो हम यूजर को मैसेज दे देंगे प्लीज़ एंटर द वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। सिंपल इतना सा अपने को मैसेज देना है, ठीक है। अगर अगर हमारा यूजर नेम पासवर्ड मैच हो जाता है तो क्या होगा, आरएस डॉट नेक्स्ट से अपन वो चेक कर रहे हैं। उसके बाद में अभी हमने फिर से यहाँ पे सेंटर लगा दिया है अपना, अभी हमें कुछ डाटा शो कराना है इसके लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे अपने टेबल फॉर्मेट में टेबल फॉर्मेट ले लिया है डाटा शो कराने के लिए। तो फिर हमें बोला क्या गया है कि अगर हमें अगर यूजर लॉगिन होता है तो जो जो भी डाटा है उस टेबल में वो सारा का सारा डाटा आप यहाँ पे दिखा दो, तो हम वो सारा डाटा अभी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो जेएसपी में ये थोड़ा अलग है, टेबल फॉर्मेट में प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है ऐसा कुछ। इस सिंटैक्स को याद रखिए, ये यही सिंटैक्स रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं। आर एस वन यहाँ पे हमने आर एस लिया है, और यहाँ पे हमने रिजल्ट सेट वन लिया है, यहाँ पे अपन सिलेक्ट स्टार फॉर्म स्टूडेंट कर रहे हैं, और स्टूडेंट सिलेक्ट करने के बाद में जो कुछ भी आएगा वाइल के लूप की मदद से हम सारे के सारे रिकॉर्ड यहाँ पे अपन प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे गेट आई एन टी, गेस्टिंग गेट डेट, ये क्यों लगाए, क्योंकि हमारे जो टेबल का डाटा है वो इस फॉर्मेट में है इसलिए।
ये वाली जो है ये अपने वाले कॉलम के नेम है, तो वो सारा का सारा डाटा यहाँ पे अपना वाला प्रिंट हो जाएगा। तो ये हो गया लॉग इन होने के बाद में, ठीक है। अगर आपके पास यूजर नेम पासवर्ड ना हो तो क्या करेंगे आप, रजिस्टर बटन पे आप क्लिक करोगे, तो रजिस्टर बटन पे क्लिक करने के बाद में आप हाइपर लिंक से register.jsp पे आप जाओगे, ठीक है। register.jsp पे जाओगे, register.jsp पे जाने के बाद में आपको ये फॉर्म आएगा जहाँ पे आपको लिखा होगा एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड, एंटर DOB, अपन ने ये ले लिया है सब कुछ, ठीक है। यूजर नेम आर, यूजर नेम आर, पासवर्ड आर, DOB, ऐसा अपन ने रजिस्टर के लिए आए है, रजिस्टर के लिए लिया है, ठीक है। रजिस्टर को सबमिट करने के बाद में हम डायरेक्टली index.jsp पे जा रहे हैं, जो हमारा लॉगिन पेज है वहाँ पे। index.jsp ही हमारा लॉगिन पेज है, ये ध्यान रखिए, ओके। उसके बाद में हो गया, ये हो गया, ओके। यहाँ पे अभी हमने AHREF में index.html लिखा है, तो हम कैंसिल भी करेंगे। अगर हम कैंसिल पे भी क्लिक करते हैं तब भी हमें इंडेक्स पेज पे ही जाना है, सबमिट पे भी क्लिक करते हैं तब भी हमें इंडेक्स पेज पे ही जाना है, या फिर लॉगिन पेज पे ही जाना है। ये बटन जो है ये मैंने टाइम पास के लिए लिया था, इसका कुछ काम नहीं है, ओके। ये हो गया अपना रजिस्ट्रेशन का कोड। तो अभी रजिस्टर करने के बाद में वो डाटाबेस में कैसे जाएगा, ओके, ठीक है। ये अभी ये अपन देखेंगे। तो सबमिट करने के मतलब सेव करने के बाद में, मतलब यानी कि रजिस्टर ये वाला डाटा अगर हमें सेव करना है, तो अपन सेव क्लिक करने के बाद में सबमिट है, इसके लिए हम जाएंगे डायरेक्टली index.jsp पे। index.jsp पे जाने के बाद में अभी मैंने जो कोड बोला था ना, अपन बाद में देखेंगे वो वाला, अभी अपन कोड देखेंगे, ठीक है। तो ये वाला कोड अपन देखेंगे। तो यहाँ पे अपन ने सेम वही तीन वेरिएबल ले लिए है, यूजरनेम, पासवर्ड, DOB, इंडेक्स के लिए, हाँ, ठीक है। वो वाले तीन वेरिएबल लिए, अपने वाला क्लास डॉट फॉर नेम ड्राइवर इनिशिएट कर लिए है, उसके बाद में कनेक्शन कर लिया है अपने वाले DSN से, जहाँ पे अपने को वैल्यू डालनी है। उसके बाद में स्टेटमेंट ST स्टेटमेंट, जहाँ पे अपन स्टेटमेंट अपने वाली क्वेरी लिखने वाले हैं। यहाँ पे यूजर यू नेम में अपन ने वैल्यू गेट कर, मतलब जो पैरामीटर है अपने वाले जो रजिस्टर से सेंड हुए हैं, के ऊपर क्लिक करने के बाद में वो यहाँ पे आएंगे, request.get पैरामीटर आर यू नेम, मतलब यहाँ पे जो नाम लिखा है वो वाला नाम अपन यहाँ पे लिख रहे हैं। इसे सब के सब वैल्यू अपन ने यहाँ पे गेट कर ली है। सब की सब वैल्यू गेट करने के बाद में हम एक क्वेरी लिखेंगे जो होगी इंसर्ट की, क्योंकि हमें डाटा इंसर्ट करवाना है। ST.execute update ये हमारी फंक्शन है जिससे हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद में इंसर्ट इनटू स्टूडेंट का टेबल है अपना वाला, वहाँ पे तीन फील्ड है, यूजर नेम, पासवर्ड, DOB, उनमें अपन डालेंगे यूनेम, पासवर्ड, DOB, तीन वेरिएबल अपन ने वहाँ पे डाल दिए हैं। ये जो फॉर्मेट है ये डालने का, ये वाला फॉर्मेट सेम रहेगा हर इसके लिए। तो इतना सही कोड है अपना वाला यूज़र रजिस्टर करने के लिए। तो ये था आसान सा सिंपल सा कोड। अभी मैं आपको इसको बताता हूँ कि कैसा होता है। और सबसे पहले रन करने से पहले मैं आपको डाटाबेस दिखा देता हूँ कि डाटाबेस उसका कैसा होगा। डाटाबेस दिखाता हूँ मैं आपको, ये अपना वाला अलग वाला डाटाबेस है। मैं डाटाबेस को ओपन करता हूँ, यहाँ पे दिखेगा नहीं कल से, तो इसके लिए अपना वाला डिस्प्ले मोड ऑन करेंगे। तो यहाँ पे अभी अपन सब अपने वाले डाटा में मैंने वो डाटाबेस सेट किया है शायद से, हम मालूम नहीं उसका नाम क्या है, पर फिर से देख लेता हूँ। अपने वाले DSN का नाम क्या है, अगर आपको डाटाबेस नहीं मिलता है तो आप करने का, फिर आपको डाटाबेस मिल जाएगा अच्छे से, स्टूड DSN अपने वाले अपने में। तो हमें अगर मालूम ना हो कि स्टूड DSN को कौन सा डाटा ज्वाइन है, तो वो चेक कराने के लिए अपने पास एक सिंपल मेथड है। आप कंट्रोल पैनल में जाइए, सिस्टम सिक्योरिटी में जाइए, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में जाइए, जहाँ पे आपका DSN होगा वहाँ पे जाइए। हमारा DSN है ही नहीं यहाँ पे, जो अपन ने क्रिएट किया ही नहीं है, तो अभी अपन वो वाला क्रिएट कर लेंगे, ओके। तो अभी हम वो वाला क्रिएट करें, है नहीं यार, तो बात गड़बड़ होगी, बहुत ही डिजिटल बात है ये, तो स्टूड DSN है,
ओके कोई बात नहीं, अपन डाटाबेस जल्दी से क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे अपन जाएंगे फाइल पे, न्यू करेंगे, न्यू डाटाबेस करेंगे। यहाँ पे अपने डाटाबेस स्टूडेंट का डाटाबेस का नाम देने के बाद में क्या करता हूँ, डेव में सेव कर लेता हूँ स्टूडेंट को और क्रिएट कर देता हूँ डाटाबेस। ओके डाटाबेस क्रिएट करने के बाद में में डिजाइन व्यू में यहाँ पे टेबल का नाम क्या है। अगर आपने डाटाबेस ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अपना डाटाबेस का भी नाम स्टूडेंट ही है, मतलब टेबल का भी स्टूडेंट ही नाम, आईडी ऑटो नंबर, फील्ड का नाम देख, आईडी है, यूजर नेम है और पासवर्ड और डीओ। बताओ बाद में भी के लिए अपन डेट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ टाइम सेव करेंगे। बाद में अपन डाटाबेस सेट अभी के लिए और इसको अपन सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद में इसको अपन क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद में अपन एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में जाते हैं, पैनल से अपन करते हैं से। अपन ने ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, उसके बाद में अपन नाम देते हैं, सिलेक्ट किया मैंने डाटाबेस। उसके बाद में डी गया मैं यहाँ पे अपना स्टूडेंट नाम का डाटाबेस, ओके किया और ओके किया और यहाँ पे अपना स्टूडियो ऐड हो गया और मैंने इसको ओके किया तो अपना स्टूडियो से यहाँ पे ऐड हो चुका है और यहाँ पे अपना सब हो गया है। कि अपन यहाँ पे जाएंगे सर्विसेज डाटाबेस में, यहाँ पे डाटाबेस में जाने के बाद में अपन ड्राइवर पे जाने का है, ड्राइवर पे JDBC का, यहाँ पे जाने के बाद में अपन डालेंगे DSN का नाम, टेस्ट कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन सक्सेसफुल होने के बाद में यहाँ पे डायरेक्टली अपन फिनिश पे क्लिक कर देंगे। फिनिश पे क्लिक करने के बाद में अभी अपन अपना वाला डाटाबेस ऐड हो चुका है। अभी अपन प्रोग्राम रन करके देखते हैं क्या होता है। तो प्रोग्राम मैंने रन किया, वो तो जाना चाहिए। यूजर नेम अपना वाला MSB123, लॉगिन किया और ये सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है। ये वाली लाइन कहाँ से आई ये देखेंगे अपन। ये वाली लाइन आई है अपनी वाली यहाँ से कहाँ से? वो आई है अपने वाली टेक्स से भी तो सजेशन होम से आई, वो लाइन वो आई है पास यहाँ से आई है। अपन ने लाइन दिया है बाद में तो रहा है ना, तो देखिए अभी लॉग इन करने के बाद लॉग इन होता है। अगर मैं रॉन्ग पासवर्ड डालूँ तो रॉन्ग हो जाएगा, यूजर ने पासवर्ड रॉन्ग है। रजिस्टर करना है तो रजिस्टर पे जाएंगे, रजिस्टर पे यहाँ पे डालेंगे पासवर्ड 21, यहाँ पे अपन डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे। सेव होने के बाद में अपन लॉग इन करेंगे, देखिए दो रिकॉर्ड आ गए, कुछ काम हो गया है, बहुत ही आसान था। तो इस वीडियो में इतना, देखने बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बस बहुत